हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर हम स्टेन्स कैसे साफ करें, और इसके लिए हम एक चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई केमिकल का रिक्वायर नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से एकदम इसे सुंदर बना डालेंगे ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप इसे एक गीला कपड़ा से पोंछना शुरू करें अपने व्हाइट बोर्ड को, थोड़ा अच्छी तरीके से खाली गीला कपड़ा से इसे थोड़ा सा रगड़ के इसे साफ करें। इसके बाद एक सूखा कपड़ा लें और उससे भी पोंछें अच्छी तरीके से जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। हो गया ड्राई, पर यहाँ पे मैं तभी भी देख रही हूँ कुछ स्केच पेन के मार्क्स हैं, कुछ डर्ट के मार्क्स हैं। इसको कैसे साफ करें? इसको साफ करने के लिए कपड़े को गीला करें और इसमें थोड़ा सा सोप ऐड करें। योग्या साबुन वाला मिक्सचर इससे साफ करें, इससे थोड़ा रगड़ना साफ करें। तो ये सब स्टेप्स मैं बताने जा रही हूँ, ये आपको एकदम फॉलो करना है, तभी आपका एकदम व्हाइट बोर्ड चकाचक साफ होने जा रहा है। इसको थोड़ा रगड़ रगड़ के साफ, पूरा साबुन साबुन हो गया है। अब इसी को धोएं और इसको वापस से पानी से इसको पोछें। कहूँगी ये सब आप बेड पे करके ना करें क्योंकि ये थोड़ा मैसी हो सकता है। हाँ, मैं इसे बेड पे ही की हूँ, पर आपके लिए मैं बोल रही हूँ बेड पे ना करें। आपको कम से कम 3 बार ये साफ करके खाली पानी से वापस से इसको धो के वापस से साफ करके ऐसे आपको 3 बार करना होगा। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया और 2 टाइम बाकी है। 3 टाइम हो जाने के बाद इसे ड्राई क्लोथ से वापस से पोछें। तो मेरा उतना पोछा नहीं रहा, बहुत स्लिपरी टाइप हो गया है क्योंकि इतना सोप यूज़ किया, इतना कुछ यूज़ किया। तो अभी मुझे इसको ड्राई होने के लिए पंखा चला दे, और ड्राई होने के बाद ही एक मैं आपको मिक्सचर, मतलब एक काइंड ऑफ थिंग मैं आपको की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आपको इसका जो भी डर्ट है वो साफ़ कर देगा। इसे बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे आप देखिए कितना गंदगी अभी भी है, पेन मार्क अभी भी है, ये स्टेन यहाँ पे अभी भी है। ये सब नहीं जा रहा, और ये सब भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे है बहुत सारा, ये बहुत सारा अभी भी है स्टेन बाकी। और उसको मिटाने के लिए एक रेसिपी है, पहले मुझे इसे ड्राई करने दीजिए। चलिए अभी जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक इसका रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा आटा, तो यहाँ पे आटा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट। तो कितना डिटर्जेंट डालना है? जितना आपका आटा है उससे थोड़ा सा कम आपको डिटर्जेंट डालना है। अब इसमें पाउडर डालना है जो ऑप्शनल है, पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाउडर। मैंने टाइड यूज़ किया था डिटर्जेंट के चलिए, और पाउडर के लिए ये वाला पाउडर, तो बहुत कम पाउडर डालना है। तो ये बन गया है, इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है आपको। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है, तब तक ये जैसे सना हुआ आटा होता है उस तरीके से ना बन जाए। धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है। ये देखिए ये कुछ ऐसा बन गया है सान सान के। आपका स्टेन्ड एरिया है जैसे कि ये, इसमें आपको इसको रगड़ना है। थोड़ा टाइम तक रगड़ो, फिर थोड़ा सा पानी लगाओ, फिर रगड़ो 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 रगड़ो, थोड़ा सा पानी लगाओ रगड़ो, थोड़ा सा पानी लगाओ रगड़ो, यही करो। तो पहले यहाँ पे स्टेन था वो हो गया गायब, और ये जो है ये वो आटा का है पार्टिकल जो ऐसे हो गया। तो इसके लिए एक बार वापस से गीला पानी से साफ करें।
पूरा साफ करें। अभी वापस से ड्राई क्लॉथ। ये जो मैंने आपको मिक्सचर बना के दिया है उससे अगर आपका स्टेन अभी तक नहीं गया तो 2-3 बार ट्राई करो, सेम स्टेप्स करो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सूखने देते हैं फिर रिजल्ट्स देखेंगे। तो अभी फ्रेंड्स देखिए ये कितना वाइट हो गया। आप वीडियो को थोड़ा पहले ले जाइए और फिर अभी आइए, इतना वाइट हो गया और कहीं यहीं पर स्टेन था फ्रेंड्स। तो ये कॉर्नर के राइट यहाँ पर स्टेन था ना, मैं जूम इन कर रही हूँ, वो भी गायब हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो डो की मदद से जो हमने बनाया था। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।